जय दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। टोयोटा ने फाइनली भारतीय मार्केट के लिए इनोवा हाईक्रॉस के जो प्राइजेस है वो रिवील कर दिए हैं 28 दिसंबर को। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वेरिएंट वाइज प्राइसिंग ऑफ द टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, जो कि सिर्फ अब आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एंड पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑफर करी जाती है। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट्स में पेट्रोल विद हाइब्रिड पावर ट्रेन देखने को मिल जाता है एंड लोअर एंड वेरियंट्स में आपको ओनली पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रहता है। और आज की इस वीडियो में इसको मैं इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल वेरिएंट के प्राइसेस से भी कंपेयर करने वाला हूँ इनोवा हाईक्रॉस के प्राइसिंग को। तो अगर बात करें हम इसके बेस एंड वेरिएंट की, जो कि रहता है GSFX इन 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, उसका प्राइस रखा गया है 18,30,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में। देन GSFX 8 सीटर में उसका प्राइस रखा गया है 18,35,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। देन उसके ऊपर जो आता है GX वेरिएंट 7 सीटर में, उसका प्राइस रखा गया है 19,15,000 एक्स शोरूम में। एंड अगर आप 8 सीटर में लेते हैं GX वेरिएंट को, तो उसका प्राइस रखा गया है 19,20,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में। एंड ये सारे नेचुरली एस्पिरेटेड वाले पेट्रोल इंजन के प्राइसिंग रहती है। अब बात करें सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेरियंट्स के बारे में, तो वो आपको VX वेरियंट से ऑफर करे जाते हैं, जो कि VX वेरिएंट 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, उसका प्राइस है 24,01,000 एक्स शोरूम में। एंड 8 सीटर में लेंगे तो वो कॉस्ट करेगा 24,06,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम में। देन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ZX, जिसका प्राइस है 28,33,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में। एंड ZX ऑप्शनल, जो कि टोटली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहता है, उसका प्राइस है 28,97,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में। अब आपको टॉप मॉडल के बारे में एक और बात बता दूं कि आपको जो ZX वेरिएंट एंड ZX ऑप्शनल वेरिएंट है, वो सिर्फ 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही ऑफर करा जाता है, नॉट विद द 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसके बेस एंड वेरिएंट्स के इंजन के बारे में बात करें, तो वो ही रहता है TNGA वाला 2 लीटर का 4 सिलेंडर गैसोलीन इंजन, जो कि आपको डायरेक्ट शिफ्ट CVT के साथ मेटेड देखने को मिलता है एंड प्रोड्यूसेस 171.6 हॉर्स पावर एंड फ्यूल इकोनॉमी अराउंड 16.13 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड रहती है इस व्हीकल की। बाकी अगर हम बात करें इसके सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में, जो कि आपको TNGA वाले ही 2 लीटर 4 सिलेंडर गैसोलीन इंजन के साथ मेटेड देखने को मिलता है, वो आपको ऑफर कर जाता है विद एन ई ड्राइव सिक्वेंशियल शिफ्ट डिलीवरिंग अ मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ 183.7 हॉर्स पावर एंड इसकी जो क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी है अराउंड दैट इज 23.24 किलोमीटर्स पर लीटर की। बाकी इनोवा हाईक्रॉस में आपको 3 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी देखने को मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा के कर सकते हैं 5 ईयर्स या 2,20,000 किलोमीटर्स की। एंड 3 ईयर्स फ्री रोड साइड असिस्टेंट भी देखने को मिलती है। इसमें आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी ऑन द हाइब्रिड बैटरी भी देखने को मिल जाती है। तो ये है कुछ डिटेल्स अबाउट द इनोवा हाईक्रॉस एंड इट्स प्राइसिंग। अब अगर हम इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करें विद द इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल वेरिएंट्स, तो इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस के आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। जो इनोवा क्रिस्टा का वेरिएंट आता था बेस एंड वेरिएंट, दैट वाज द GX इन 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसका प्राइस था 18.9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। बट इनोवा हाईक्रॉस जो है वो शुरू होती है 18.30 लाख से एक्स शोरूम में, बट इसमें आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद द इनोवा क्रिस्टा बेस एंड वेरिएंट, जो कि पेट्रोल में ऑफर करा जाता था एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर करा जाता था। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता था इनोवा क्रिस्टा का, दैट वाज द ZX ऑटोमेटिक इन 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन इन पेट्रोल इंजन, जिसका प्राइस था 23.83 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। वेयर एज जो अब हमें हाईक्रॉस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देखने को मिलता है, दैट इज द ZX ऑप्शनल विद द हाइब्रिड पावर ट्रेन, जिसका प्राइस है 28.97 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। अगर उससे नीचे वाला ZX वेरिएंट लेंगे आप हाइब्रिड में, तो दैट विल कॉस्ट यू 28.33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। जो इनोवा क्रिस्टा थी उसमें हमें देखने को मिलता था 2.7 लीटर वाला 4 पॉट पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता था 164 BHP या 245 Nm ऑफ टॉर्क, और वो या तो आपको मिलता था 5 स्पीड मैनुअल के साथ और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। वेयर एज जो अब इनोवा हाईक्रॉस आई है उसमें हमें देखने को मिलता है 2000 cc का इंजन, बट उसका जो टॉर्क आउटपुट एंड पावर आउटपुट रहता है दैट इज मोर देन द 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफ द क्रिस्टा। सो आई होप गाइस आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।